एक ऐसी कहानी जो कि प्रजापति समाज से भी जुड़ा हुआ है, वही आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सो बने रहिएगा फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड तक, क्योंकि दक्ष प्रजापति जो आप पूरे सृष्टि को देखते हैं, हर जीव जंतु पक्षी पौधे हर प्रकार की जो भी चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं प्रजापति से जुड़ा हुआ है। प्रजापति के ब्रह्मा की उपाधि तक भी दिया गया है। दक्ष प्रजापति बहुत ही पौराणिक कथाओं में इनकी महिमा का भरा हुआ बखान आपको मिल जाएगा। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति संपर्ण और परम पिता ब्रह्मा के पुत्र थे और जो कश्मीर घाटी के हिमालय क्षेत्र में रहते थे। प्रजापति दक्ष की दो पत्नियां थी, प्रस्तुति और बीरणी। प्रस्तुति के दक्ष की 24 कन्याएं थी और बीरणी से 60 कन्याएं थी, कुल मिलाकर 84 पुत्रियां दक्ष प्रजापति को था। आज जितने भी आप समस्त पशु पक्षी अप्सरा गंधर्व दैत्य इत्यादि जो भी देखते हैं और जिनकी भी पूजा की जाती है, कहीं ना कहीं वो प्रजापति की ही पुत्री है। पहली कथा है एक बहुत ही रोचक कथा, यहाँ पे जो है प्रसंग सुनने को मिलता है प्रजापति समाज के विषय में, दक्ष प्रजापति के विषय में, जो प्रजापति समाज का जिनसे आस्था जुड़ा हुआ है, कि दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ कर दिया और जिसके बाद दक्ष की इन 27 कन्याओं में रोहिणी सबसे अधिक सुंदर थी, जिस कारण से चंद्रदेव जो है उनसे अधिक प्रेम किया करते थे। इसने इस वजह से बाकी की जो 26 पुत्रियां थी वो दक्ष प्रजापति को आकर शिकायत कर दी और जिसके बाद दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को निमंत्रण भेजा और फिर उन्हें बुलाकर इस चीज के लिए सतर्क किया। लेकिन कहानी ऐसी मान्यताएं धार्मिक आस्थाएं बनी हुई है कि लेकिन दक्ष प्रजापति के कहने के उपरांत भी जब चंद्रदेव तब तो हामी भर दिए, लेकिन जब वहां से गए तो चंद्रदेव फिर से वही व्यवहार जो है पहले वाला व्यवहार ही करते थे, जिससे फिर से बहुत ही क्रोधित हो गए प्रजापति, दक्ष प्रजापति, और चंद्रदेव को जो है ग्रहण लगाने की सोचा। उसके बाद वो जाकर छुप गए भगवान शिव के यहाँ और भगवान शिव को के यहाँ जब प्रजापति देखे कि चंद्रदेव जाकर छुप गए हैं, तो प्रजापति ने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया और कहा कि आप जो है चंद्रदेव को मुक्त करवाइए, क्योंकि अब हम जो है चंद्रदेव को दंडित करेंगे। जिसके उपरांत भगवान विष्णु जो है वो गए भगवान शिव के पास, लेकिन भगवान शिव बोले कि जो मेरे शरण में आ जाता उसको मैं नहीं छोड़ता हूँ। जिसके बाद भगवान विष्णु ने जो है वो चंद्रदेव को नोच कर आधी चंद्रमा जो है दक्ष प्रजापति को दे दिया और आधी चंद्रमा जो है वो भगवान शिव के सर पे धारण हुआ, और जिसके बाद शिव को प्रार्थना किया गया और फिर जो है वो भगवान विष्णु ने बताया कि धीरे धीरे ये चंद्रमा जो है वो भरता हुआ जाएगा, जैसे जैसे आप देखते हैं पूर्णिमा का दिन आता है तो चंद्रमा जो है पूर्ण हो जाता है। यही आस्था और विश्वास है जो प्रजापति समाज से जुड़ा हुआ है। इस तरीके के काफ़ी सारे आस्थाएँ हैं जिसको जानकर प्रजापति समाज से इन्हें जोड़ा जाता है और लोग भी इनको जोड़कर अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। लेकिन आज जो है बहुत सारी विषय है, डेवलपमेंट, प्रगति, उन्नति साथ में भी होनी चाहिए, पढ़ाई, शिक्षा, यह सब भी अति आवश्यक है। मेरा यही राय विचार है, किसी भी समाज को जो अध्यात्म है उसके साथ साथ अध्ययन भी करनी चाहिए और उसकी भी ज़रूरत है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं और आपको हमारे वीडियो का यह संस्करण पसंद आया, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और छोटा प्यारा सा सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद।